हाय प्रिंस, हम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर इसरार अहमद जी का बयान है इसराइल अटैक और पैलेस्टीन के ऊपर। तो आजकल जो हो रहा है वो पहले ही उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, और आज वो असल में हकीकत में आ रहा है कि बहुत सारे हमले गाज़ा की ओर से इसराइल पर किए गए, उसके बाद इसराइल ने किए। ये तो कोई नहीं बता सकता कि पहला हमला किसने किया था, कि क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहला हमला हमास की ओर से किया गया था, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं इनमें मीडिया रिपोर्ट्स में। और बहुत सारे रॉकेट्स जो इधर इसराइल पर दागे गए थे, मेरे ख्याल से 1,000 से भी ज़्यादा थे। वो ऐसा लग रहा था कि दिवाली चालू है वहाँ पर, और उनके आयरन डोम ने उसे लेकिन इंटरसेप्ट कर दिया। लोग ये सब जो करते हैं देश इतनी लड़ाइयाँ, तो ये बहुत गलत बात है। तो क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि इसराइल ने उनके उनके जो हमास और जो पैलेस्टीन है, उन्होंने उनको रहने के लिए जगह दी थी यहूदियों को, और उन्होंने उस पे डायरेक्टली काबा कर दिया। और मतलब काबा मतलब ताबा कब्जा बोलते, कब्जा कब्जा कर मराठी दिया। में काबा बोलते हैं, तो कब्ज़ा कर दिया। और अगर कोई आपकी ज़मीन पर रहने के लिए आप उसे जगह दे, और उस पे अगर कोई अपना हुकूमत चालू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हो रहा है वहाँ पे। तो तो चलिए पहले चलिए वीडियो इसके देखते वीडियो देख लेते हैं। और ये मौलाना है फिर भी ये, डॉक्टर इसरार अहमद। हाँ लेकिन ये बयान देते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। فرش التراب يضمني اعلان بالفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40-40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکے پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا، 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک، خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائسراپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھکنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں پون ان دی گیم، یہ سارا دھندہ ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب
वो फतह कर चुके हैं। वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगु करने को तैयार नहीं थे, आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी। अब तो एक एक करके, वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई। ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्खीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है। हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया। हुज़ूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का, वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका है। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, स्टूजिस। ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है, तल्ख हकाइक हैं जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए। ये जो इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, इबलीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये दोबारा एक बहुत बड़े पैमाने पर हक व बातिल का घमसान का रंग पड़ने वाला है। मलाहिम की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेन गोइयां फरमाई, अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग जो अभी आने वाली है, उसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसमें जो कुव्वतें एक दूसरे के मुकाबले आ रही हैं वो कौन सी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहने को अमेरिका के ज़ेर क़यादत है, हकीकत में अमरीका खुद यहूदियों के पंजे में है। ये वही इबलीसी ताकत है जो आगे बढ़ रही है। आलम अरब को फतह करने के बाद अब उनके पास अगला आलम इस्लाम का हिस्सा है, गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड। ईरान है, उसके शिमाल मशरक में तुर्किस्तान है रूसी और चीनी, मशरक में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये एक बहुत बड़ा सॉलिड ब्लॉक है। इसके बाद अगरचे हिंदुस्तान आता है भारत, जाहिर बात है कि वहां मुसलमान अकलियत में है सिवाय कश्मीर के, लेकिन ये नोट कीजिए कि वहां भी कम से कम 15-18 करोड़ मुसलमान मौजूद। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसमें मुसलमानों की तादाद और जिनकी नफरी सबसे बढ़कर है वो भारत है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया मलेशिया है, इससे आगे है फिर फार ईस्ट, अभी इन्हें फतह करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यूं समझिए कि अभी ये हार्ड नट टू क्रैक, अभी एक लोहे का चना है चाइना की शक्ल में मौजूद। और मुझे याद आ रहा है डी गाल के अल्फाज, बहुत से लोगों ने सुने होंगे, उसने कहा था कि हमने खामखा रूस को अपना दुश्मन बना लिया है, वो तो हमारा भाई है, वाइट रेसिस, वो तो बुनियादी तौर पर यूरोपियन कौम है। बिवेयर ऑफ द येलो मासेस ऑफ द ईस्ट, तुम्हें घबराना चाहिए, तुम्हें खबर लेनी चाहिए, वो मशरिक बईद के जो जर्द रू लोग हैं, चाइना, इंडो चाइना, जापान, येलो रेसिस। अभी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो फतह आलम और तस्खीर आलम का प्रोग्राम है, उसमें पहले गैर अरब मुसलमान दुनिया और फिर ये फार ईस्ट का खास तौर पर येलो मासेस, ये है कि जिन्हें अभी उन्हें टैकल करना है। और इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, हकायक हमारे सामने रहना चाहिए। कितनी इंफॉर्मेशन है इनके पास, और मेरे ख्याल से जो प्रिडिक्शन है इन्होंने पहले ही कर दिया था। मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है कि इसराइल के ऊपर के पाबंदियां मतलब अरब देशों ने हटाई है और उनको बहुत सारी सहूलियतें मिली है। मतलब इसी वजह से मेरे ख्याल से इसराइल इतना ताकतवर देश बन गया, क्योंकि अगर उसे कोई सपोर्ट ही नहीं करता तो इतना बड़ा होता ही नहीं हो। तो यूनाइटेड नेशन में भी बहुत सारी बार ये मुद्दा उठाया गया कि इसराइल
अपनी ताकत की बलबूते पे पैलेस्टाइन के लोगों को मार रहा है और अपनी मतलब ज़मीन को फैला रहा है। और सीधे साधे नक्शे से भी पता चलता है कि इसराइल ने कैसे कब्ज़ा किया है पैलेस्टाइन पे, फिर भी यूनाइटेड नेशन चुप रहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यहूदी भरे हुए हैं। और अमेरिका का उन्होंने बताया कि बहुत सारे यहूदी उनके हाथों में अमेरिका की सत्ता है, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं होता और कोई भी एक्शन नहीं लेता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ बोलते हैं बातचीत से करो, अगर यूनाइटेड नेशन कहे कि बातचीत से करो तो इसका मतलब ये है कि जंग से ही करो, तो ऐसा ही हो रहा है इस मतलब कश्मीर में और पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में। कश्मीर का तो वैसे मसला नहीं है क्योंकि कश्मीर पहले से ही इंडिया का पार्ट है, ऐसा हमें बताया जाता है पहले से, मतलब सब किताबों में ऐसा लिखा है, तो हम इसके ऊपर ही विश्वास रखते हैं क्योंकि हमें जो सिखाया जाएगा हम वही कहेंगे। इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं। इसराइल का और पैलेस्टीन का पता है, वो साफ साफ दिखता है क्योंकि नक्शे में डायरेक्टली दिखता है कि पहले पैलेस्टीन कितना बड़ा था और अब कितना सा रह गया है। तो और ये बात सही है कि बहुत सारे मुसलमान जो आज भी उस वक्त भी इंडिया में ही थे और आज भी है, और इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा आबादी इस्लाम को मानने वाले की सिर्फ इंडिया में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही बढ़ रहे हैं, कोई कोई लोग इस्लाम को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को किसी धर्म में सच्चाई दिखती है तो उसे एक्सेप्ट कर ही लेता है, बहुत सारे ऐसे भले ही थोड़ी देर हो जाए। बड़े बड़े भी लोग हैं जो अपने मतलब मजहब को छोड़कर इस्लाम की ओर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं और जो नहीं भी मानते वो भी विश्वास रखते हैं अल्लाह पर। मतलब इस्लाम धर्म अगर नहीं अपनाया है तो भी जैसे हम रखते हैं कि अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और कल तो रमज़ान है तो रमज़ान के ऊपर भी आप सजेस्ट कीजिए वीडियोस। पर मुझे ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव लगा इसराइल और पैलेस्टीन का, इसलिए मैंने ये वीडियोस की है और ये दुनिया को भी पता चलना चाहिए, भले ही व्यूज़ कम आए पर ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने डाउनलोड किया था वीडियो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।